The decimal part of 2 taken at random are found to 7 places. The chance that the second can be subtracted from the first. जैसे अगर मैं अपना number 1 देखूंगा, उसका जो logarithm होगा, वो क्या होगा? 7 places तक है. तो जैसे किस form में होगा, let's say, वो कुछ ऐसे होगा कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 and x7. ऐसे उसमें 7 numbers होंगे. ऐसे जो number 2 होगा, उसके logarithm में भी 7 numbers हैं. तो आएगा y1, y2, y3, y4, y5, y6 and y7. Okay? तो अब अगर मैं first में से second को subtract कर सकूं, और वो भी without borrowing, तो इस question में ना ऐसा एक part यहाँ लिखा होना चाहिए कि ये जो question है, इसका जो answer होगा वो आएगा without borrowing वाला case consider करके, कि means हम क्या कर रहे हैं, एक से one इधर consider नहीं करेंगे, जैसे x5 less than y5 हो गया, तो x4 से हम one नहीं लेंगे, तो without borrowing वाला case होगा यहाँ पे, ठीक है? अब अगर ऐसा होगा तो obviously condition क्या देगी हमारे पास में किसी भी xi place पे जो हमारा yi होगा है ना वो xi से equal या फिर छोटा होगा तो जैसे अब xi और yi ये कहाँ तक हो सकते हैं हमारे पास में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो xi और yi ये पूरी value हो सकती है हमारे पास में तो xi comma yi ये पूरा हो जाएंगे हमारे पास में belongs to कहाँ से कहाँ तक 1 to 10 oh sorry 10 नहीं 9 होगा क्योंकि नंबर्स सॉरी 0 से लेके 9 तक है ना ये हो जाएगी कंडीशन अब देखते हैं तो अगर मेरा xi मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 तो अगर xi की वैल्यू 9 हो गई तो yi की वैल्यू क्या-क्या पॉसिबल है 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यू i कितनी हो जाएंगी उस केस में हमारे पास में 10 अगर xi की वैल्यू हमारे पास में 8 हुई तो yi की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी इक्वल टू 9 ऐसे ही करते-करते अगर xi की हमारे पास में मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है तो उस केस में yi की हमारे पास में वैल्यू क्या देगी yi की केवल एक वैल्यू पॉसिबल होगी वो भी 0 ओके तो इनडायरेक्टली हमारे पास में टोटल कितने केसेस हो जाएंगे 10 9 8 क्योंकि हर xi के लिए जब 9 होगा i तो 10 केसेस yi के लिए 9 केसेस तो किसी भी ith प्लेस के लिए हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू yi हो जाएगा तो वो हो जाएगी हमारे पास में फेवरेबल केस कितने होंगे 10 plus 9 plus 8 up to 1 और सी x के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं 10 y के लिए भी कितनी है 10 अब ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम व्हिच इज इक्वल टू 10 into 11 by 2 और नीचे लिखा हुआ है इनटू में 100 तो इनडायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई है 55 by 100 और ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है 0.55 अब ये तो किसी एक ith प्लेस के लिए हमारे पास में कंडीशन आई है कि xi greater than yi होना चाहिए अब 7 डिजिट्स हैं हर एक के लिए क्या होगा हमारे पास में सेम कंडीशन होगी है ना कि जैसे x1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू y1 होना चाहिए x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 होना चाहिए ऐसे करते-करते x7 ग्रेटर देन इक्वल टू y7 होना चाहिए तो हर एक केस में प्रोबेबिलिटी 0.55 और उसकी होल पावर 7 क्योंकि हर केस में यही सिंपलीफाई होना चाहिए है ना तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.55 रेस्ट पावर 7 ऑप्शन 3